एवरीवन, अपराजिता हियर इन ग्रीन थंब। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ दिन पहले एक हैंगिंग बास्केट के अरेंजमेंट्स आपको दिखाए थे, जिसमें मैंने शेड लविंग प्लांट्स के अरेंजमेंट्स दिखाए थे एंड टोल्ड यू कि आई विल शो यू सम फ्लावर अरेंजमेंट्स इन बास्केट और सन लविंग प्लांट्स। तो जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पास ये सेटिंग इस तरह से रेडी है। एंड यस्टरडे व्हाइल आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू द पिंटरेस्ट, आई केम अक्रॉस सम लवली फ्लावर अरेंजमेंट्स इन द बास्केट एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू ऑल। एंड जस्ट नीड टू रिमेंबर सम थिंग्स इन माइंड। पहली बात तो ये कि जो साइज ऑफ बास्केट हम लोग लेंगे उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स कितने लेने हैं वो ध्यान रखना है। जितनी बड़ी साइज, जैसे ये मेरी 12 इंच की बास्केट है, तो इसमें अराउंड 4 से 5 प्लांट्स तक आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है हमें उसे, सो दैट इट कुड गेट एनफ स्पेस टू, जब वो बड़े होंगे तो उन्हें स्पेस चाहिए पूरी। सेकेंड थिंग जो माइंड में रखनी होगी, दैट इज़ अबाउट द सॉइल मिक्स। सिंस इट इज़ अ हैंगिंग बास्केट अरेंजमेंट, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट द सॉइल शुड बी वेरी लाइट इन वेट, क्योंकि उसे हमें हैंग करना है। तो यूज़ एज मच एज लाइट वेट थिंग्स। जैसे इसमें मैंने कुछ कॉम्बिनेशन मिलाया है, 40% कोकोपीट है और 20% इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल है एंड 20% कंपोस्ट और थोड़ी सी परलाइट मैंने मिलाई है टू गिव देम प्रॉपर ड्रेनेज टू द सॉइल। ये सेकेंड बात हो गई। और अब ये जैसे देख सकते हैं, ये ऐसे बास्केट है जिसका ये फ्रेम है इस तरह से, मेटल का है ये एंड इट इज़ अ क्वायर का इस तरह का अरेंजमेंट है इसमें। और इससे क्या होता है, इसमें मॉइस्चर बराबर बनी रहती है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट वाटरिंग इट, सिंस ऑल दीज प्लांट्स नीड लॉट्स ऑफ वाटर डेली। और सन लविंग प्लांट्स जितने भी होते हैं उनमें पानी की भी बहुत ज़्यादा डेली की ज़रूरत होती है। यू कैन बी अश्योर्ड दैट ये इस अरेंजमेंट से बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी सॉइल सूखेगी नहीं। सो दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द हैंगिंग बास्केट अरेंजमेंट। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कुछ कैसे लगाते हैं इसे इस तरह से। और कुछ एक दो चीज़ और भी ध्यान रखने की है कि ये फ्लावर्स जैसे हम लोग लगा रहे हैं तो इनको ऐसे कॉम्बिनेशन में लगाएं सो दैट ये इनके कलर कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखेंगे कि कैसे उसको बहुत सुंदर लगे देखने में। और एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि बहुत जो ये जितने भी प्लांट्स हैं वो लगभग एक ही बेसिक रिक्वायरमेंट सबकी होनी चाहिए, दैट अगर हम सन लविंग प्लांट्स लगा रहे हैं जिन्हें 6 से 7 घंटे की सन चाहिए, तो वो सभी प्लांट्स उसी तरह के होने चाहिए। सब में अगर वाटर रिक्वायरमेंट एक जैसे होने चाहिए। और वैसे प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हो, वो उनकी ट्रेलिंग और कैस्केडिंग सॉर्ट ऑफ जिनकी टेंडेंसी हो, वैसे प्लांट्स लगाने में अच्छा होगा। तो यहाँ मैंने जो कुछ प्लांट्स लिए हैं, ये पेटूनिया के कुछ प्लांट्स हैं और एक ये लैंटाना है। इसका कॉम्बिनेशन मुझे ये पिंक के साथ बहुत सुंदर लगा था, सो आई गॉट दिस एंड दिस आई थिंक आई पुट इट एज द एट द सेंटर और उसकी चारों तरफ में ये लगाऊंगी। और ये एक और ट्रेलिंग प्लांट है, इसे पोटैटो वाइन है। ये जब ट्रेल डाउन होकर नीचे आती है तो काफ़ी लंबी जाती है एंड इट लुक्स वेरी गॉर्जियस इन द हैंगिंग बास्केट। सो लेट्स कम टू द अरेंजमेंट। अब ये कॉयर ऑलरेडी इसमें सब लगी हुई है, तो इसमें ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट फिल इट विथ दिस सॉइल। तो इसे मैं इसे 3/4 तक ऐसे बास्केट में इस तरह से भर लेना है। इसके साथ, इस बास्केट के साथ ये चेन भी है विच आई शो यू एट द एंड। अभी मैंने इसको फ्लावर को अरेंज करने के लिए से निकाल दिया है एंड देन इन द एंड व्हेन द होल सेटिंग इज डन देन आई फिक्स दीज चेन्स विद दिस एंड देन हैंग इट एंड शो इट टू यू। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, जैसे ये प्लांट्स जब हम लोग नर्सरी से लेकर आते हैं तो इन्हें तुरंत हमें इस पन्नी से हटाकर रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। लाइक आई बॉट दिस प्लांट्स डे बिफोर यस्टरडे एंड 2-3 दिन रहने के बाद इसे एडजस्ट हो जाए सो दैट इस एनवायरनमेंट में, उसके बाद फिर इसे हम लोग कहीं भी रिपोर्ट करना होगा, किसी भी कंटेनर में उसके लिए यूज़ करेंगे। और दूसरी बात ये कि जिस दिन इसे रिपोर्ट करना है उसके एक दिन पहले से उसमें पानी देना बंद कर दे। जैसे मैंने इसे कल से पानी नहीं दिया है तो इट विल बी ईजी फॉर मी टू कट दिस आउट, नहीं तो ये सॉइल जो है स्टिकी रहेंगे तो फिर इसमें से निकाल कर लगाने में प्रॉब्लम होगा।
बी केयरफुल टू नॉट डिस्टर्ब द रूट्स मच. थोड़े तो डिस्टर्ब होंगे बट जितना हो सके कोशिश करें कि उसे एज इट इज़ निकालें, बिकॉज द रूट्स ऑफ दीज पेरेनियल सीजनल प्लांट्स आर वेरी डेलिकेट. ये इस तरह से आए हैं तो एक मिनट इसे निकाल के यहाँ रखते हैं. सो दिस इज़ आवर फाइनल सेटिंग. और ऐसे आप देख सकते हैं ये जो लगाए हैं मैंने प्लांट्स, इसे मैंने अल्टरनेटली लगाया है ताकि ग्रीन और कलर्ड का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बने. एंड स्पेस हर एक प्लांट के बीच में इतनी होनी चाहिए सो दैट व्हेन दे ग्रो अप उनको अच्छे से स्पेस मिले फैलने के लिए. एंड नाउ अ लिटिल बिट ऑफ वाटरिंग. इसमें जो मैंने सॉइल डाला है उसका ये ध्यान रखना है कि उसकी लेवल थोड़ी एक इंच नीचे तक रहे स्क्वायर के लेवल से, ताकि जब आप पानी डालें उसमें तो वो बाहर ना आए. नाउ सिंस वी हैव पुट एनफ फर्टिलाइज़र इन दिस, अभी मैंने डाला है इसे, अभी कुछ दिन तक इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. और कुछ 15 दिन के बाद फिर इसमें मैं धीरे धीरे लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है जैसे सीवीड फर्टिलाइज़र या फिर कंपोस्ट ही, ऐसे कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं हर हफ्ते इसमें एक एक बार डालूंगी तो इसकी ब्लूम अच्छी आएगी. एंड नाउ दिस इज़ द लिथ है, इसे मैं इस तरह से प्रॉपरली सिक्योर कर देती हूँ. इस तरह के बास्केट्स आपको इजीली ऑनलाइन मिल सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड इट्स वेरी इजी टू सेटअप आल्सो. अब ये पूरी सेटअप को आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ 6 से 8 घंटे की अच्छी प्रॉपर सनलाइट आती हो वैसे जगह पे लगाना.